हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज का मेरा व्लॉग है कुछ ऐसी चीज़ से रिलेटेड जो आप सब रोज़ सोचते होंगे कि ये लोग क्लासेस में कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा वीडियो देख के कि हम लोग रोज़ कहाँ जाते हैं। हम लोग जाते हैं हमारे स्केटिंग क्लास, तो हम यहीं पर आए हुए हैं। एक्चुअली ये वाला जो वीडियो है ये है बिफोर 2 to 3 months। तो यहाँ पर जब वो लोग फर्स्ट बेसिक सीख रहे थे वो उसका वीडियो है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ स्केटिंग है, तो ये देखिए येलो टी शर्ट एंड येलो हेलमेट जो है वो लड्डू है, और यहाँ पे बर्फी है। मैं तो वो ऐसा ही करता था, जब भी वो गिर जाता था तो वो ऐसे ही बैठा रहता था और देखता था कि कौन आ रहा है पीछे, आगे कौन गया, तो यही वो करता रहता था। तो ये फिर कंटिन्यू कर रही हूँ मैं आज के व्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपके साथ वहाँ का आज का जो उनका बेसिक वो लोग प्रैक्टिस करते हैं स्केट्स की, वो आपको उसकी एक झलक दिखाऊंगी। तो हम लोग बस जा रहे थे और स्केटिंग क्लासेस पहुंच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ का उनका रोज का है कि आके फिर उनको स्पोर्ट्स शूज पहने, फिर उनका डेली का जो एक्चुअली रोज उनका थोड़ा बहुत वर्कआउट होता ही रहता है, और आज तो सैटरडे था तो स्पेशल वर्कआउट था, पर ड्यू टू सम रीज़न वो वर्कआउट नहीं हुआ था, तो फिर रेगुलर स्केटिंग ही करवाई उन लोगों को। तो यहाँ पे उनके वर्कआउट में इंक्लूड होता है 50 राउंड एंड 100 जंप। तो बस वो लोग यही कर रहे थे, राउंड ऑलरेडी वो लोग लगा चुके हैं। आफ्टर दैट उनकी स्केटिंग स्टार्ट होती है। ये एक्चुअली उनका डेली का है क्योंकि ये लोग को ट्रेन किया जा रहा है फॉर सम स्पेशल कॉम्पिटिशन, तो उसी की तैयारी हो रही है। इसी के लिए डेली 2 आवर प्रैक्टिस भी करने आना पड़ता है हमें। यहाँ पे स्केटिंग स्टार्ट हो गई थी, आफ्टर वर्कआउट उनका स्केटिंग होता है जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो लोग स्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि लड्डू के लिए हमने स्क्वाड वाले स्केट्स चूज़ किए हैं, वेयर एज बर्फी के लिए हमने इनलाइन वाले चूज़ किए हैं। इनलाइन और स्क्वाड वाले स्केट्स में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपके साथ आगे वाले वीडियो में शेयर करूँगी। ये लोग एक्चुअली ये सारे बच्चे ये कंपटीशन के लिए जाने वाले हैं, जिसके लिए सभी को 2 आवर्स प्रैक्टिस कंपलसरी है एंड सम स्पेशल वर्कआउट भी दिया जाता है, सम स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो सब उनके लिए कंपलसरी है। वो सारी चीज़ें भी लेटर ऑन मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर वर्कआउट और रेसिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से ये लोग देते हैं, तो वो मैं आपके साथ आगे दिखाऊंगी कि कैसे वो लोग सिखाते हैं बच्चों को। सभी बच्चे इतना मस्त करते हैं ना, यहाँ पे आप देखिए सभी बच्चे एकदम जी जान लगा के प्रैक्टिस करते रहते हैं रोज। ये देखिए आप, ये लड्डू बर्फी देख रहे हो आप, लड्डू को बस यही है कि मुझे कौन देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पिक एक्चुअली 1 month पहले का है, जब उन्होंने एक फर्स्ट उनकी जो कह सकते हैं कि उन्होंने फर्स्ट अचीवमेंट किया था स्केट्स में, उसका फोटो है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज का मेरा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन कीप एंजॉइंग, बी हैप्पी। और यहाँ देखिए लड्डू बर्फी वाटरमेलन खा रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। यहाँ पे अभी बहुत अच्छे मिलते हैं वाटरमेलन, एकदम मीठे से होते हैं टेस्ट में भी। गर्मी है ना, इसलिए अच्छे मिल जाते हैं, अभी बहुत अच्छे मिलते हैं। ये देखिए बॉस की झलक देख लीजिए आप लोग आखिरी आखिरी में, वो भी कैसे एंजॉय कर रहे हैं वाटरमेलन। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, बाय, टेक केयर।